पांडुपोल जो स्थान है वो लगभग 21 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। गहरे जंगलों में होते हुए हम उस स्थान की ओर जाने वाले हैं। इतना गहरा जंगल, सघन जंगल हमको मिलने वाला है, साथ में दोस्तों वन्य जीव भी वहां देखने को मिलने वाले हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि इस मंदिर में मांगी गई मनोकामना पूर्ण भी होती है। इसी पहाड़ पर महाबली भीम ने अपनी गदा से प्रहार करके एक रास्ता निकाला था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं महाभारत कालीन एक प्राचीन मंदिर की ओर। उस मंदिर का नाम है पांडुपोल जी का मंदिर। यह जो मंदिर है, यह सरिस्का अभ्यारण क्षेत्र के बफर जोन में स्थित है। सरिस्का अभ्यारण राजस्थान का एक मुख्य अभ्यारण है, जो की बाघ के लिए जाना जाता है। राजस्थान की दूसरी बड़ी बाघ परियोजना सरिस्का बाघ परियोजना है। यह जो बाघ परियोजना है दिल्ली से लगभग 125 किलोमीटर दूर है, जयपुर से लगभग 115 किलोमीटर इसकी दूरी है। तो यह बाघ परियोजना अलवर जिले में स्थित है, जो कि अलवर से 36 किलोमीटर दूर स्थित है। इस स्थान पर यह जो सरिस्का परियोजना है, बाघ परियोजना है, इस स्थान पर अनेक मुख्य स्थान हैं, परंतु दोस्तों इसी के मध्य में स्थित है बहुत ही प्रसिद्ध और सुंदर स्थान सरिस्का पैलेस, जो कि मेरे दाईं ओर आपको दिखाई दे रहा होगा। यह सरिस्का पैलेस है, बहुत सुंदर स्थान यह है। सरिस्का बाघ परियोजना का जो कार्यालय है, सरिस्का का जो मुख्य जो कार्यालय है इस अभ्यारण्य क्षेत्र का, वह मेरे बाईं ओर स्थित है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर इस सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र को घूमने के लिए जो सफारी हम करते हैं, उसका रिजर्वेशन भी उसी स्थान से किया जाता है। इस स्थान से पांडुपोल जो स्थान है वो लगभग 21 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आज हम चलने वाले हैं उस स्थान की ओर। दोस्तों यह जो रास्ता है पांडुपोल के लिए जाता है, गहरे जंगलों में होते हुए हम उस स्थान की ओर जाने वाले हैं। इतना गहरा जंगल, सघन जंगल हमको मिलने वाला है, साथ में दोस्तों वन्य जीव भी वहाँ देखने को मिलने वाले हैं, जो कि सरिस्का जिस वन्य जीव के लिए जाना जाता है बाघ के लिए, वो भी इस परिक्षेत्र में, क्योंकि यह सरिस्का का बफर जोन है, इसलिए इस क्षेत्र में बाघ भी विचरण करते रहते हैं। तो हो सकता है दोस्तों हमें बाघ भी देखने को मिले। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ पांडुपोल की ओर। मेरे पीछे जो आप एक विशाल गेट देख रहे हैं, ये सरिस्का रिजर्व का गेट है, जहाँ पर पांडुपोल जाने के लिए हम इस गेट से रिजर्वेशन टिकट विंडो पर टिकट लेकर के जा सकते हैं। हालांकि पांडुपोल के लिए शनिवार और मंगलवार का दिन ही तय होता है, अन्य दिन अगर सरिस्का अभ्यारण्य परिक्षेत्र में घूमना है तो आपको सरिस्का कार्यालय से सफारी के लिए गाड़ी बुक करनी होगी, और उस गाड़ी के द्वारा ही आप इस सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र में घूम सकते हैं। शनिवार और मंगलवार को आप पांडुपोल की यात्रा कर सकते हैं, अन्य सफारी के लिए, जंगल के भ्रमण के लिए तो आपको सफारी गाड़ी लेनी पड़ेगी। अपने खुद के वाहन से पांडुपोल तक की यात्रा हम कर सकते हैं। ये इस स्थान की थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको बताई है, और अब आपको मैं लेकर के चलता हूँ पांडुपोल के लिए, जो इस रास्ते से होते हुए गुजरने वाले हैं। आइए दोस्तों मेरे साथ चलिए पांडुपोल की ओर। सरिस्का के जंगलों से गुजरते हुए अब हम पहुंच चुके हैं काली घाटी तराई पर। यह लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां से एक रास्ता निकलता है टहला गेट की ओर, दूसरा रास्ता निकलता है पांडुपोल के लिए। यहां से आगे की यात्रा में हमें गहरे और घने जंगल मिलने वाले हैं, और अनेक प्रकार के जानवर मिलने वाले हैं, जिनमें कुछ खतरनाक जानवर टाइगर, तेंदुआ तथा कुछ जानवर चीतल, बारसिंगा, सांबर, हिरन, मोर, लंगूर, बंदर आदि मिलने वाले हैं।
पार करते हुए हम पहुंच चुके हैं पांडुपोल के बहुत ही नजदीक। यहाँ से पांडुपोल लगभग 3 किलोमीटर दूर और स्थित है। लेकिन दोस्तों, इस स्थान पर एक अद्भुत चीज हमें देखने को मिली। मेरे पीछे एक विशाल पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, इस पहाड़ को गौर से निहारिए। दोस्तों, जयपुर में स्थित हवा महल जो है उसका सा आकृति में लगने वाला यह पहाड़ हमको दिखाई दे रहा है। तो यदा कदा ऐसा कहा भी जाता है कि सरिस्का के घने जंगलों में स्थित इस प्रकार के पहाड़ हवा महल पहाड़ के नाम से जाने जाते हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, यह जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, एक ऐसा ही पहाड़ इसी पर्वत श्रृंखला में, इसी सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित एक धाम नलदेश्वर धाम, वहाँ भी ऐसा ही एक पहाड़ आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, उस स्थान को देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। सरिस्का के घने जंगलों को पार करते हुए हम इसी रास्ते से होते हुए पहुंच चुके हैं पांडुपोल हनुमान जी के मंदिर परिसर में। दोस्तों, यह जो मंदिर परिसर, यह सरिस्का के घने जंगलों में स्थित है, यानी कि बफर जोन में स्थित है। बफर जोन वह स्थान होता है जहां घना जंगल पाया जाता है। मेरे पीछे जो मंदिर परिसर आप देख रहे हैं, यह महाभारतकालीन मंदिर है जहाँ भगवान हनुमान जी की शयन मुद्रा में मूर्ति विराजमान है, जहाँ हर शनिवार और मंगलवार को मूर्ति की पूजा अर्चना की जाती है। इसी मंदिर परिसर के पीछे जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ बना हुआ है पांडव पुत्र भीम के द्वारा गदा मार करके बनाया गया एक रास्ता, जिसे पोल के नाम से जाना जाता है। और उसी पोल की वजह से यह क्षेत्र पांडुपोल कहलाता है। यहाँ पांडुपोल में हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल की अष्टमी को भगवान हनुमान जी का विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ दूर दराज से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए इस स्थान पर आते हैं। यह क्षेत्र वन विभाग के अंतर्गत आता है, जहां शनिवार और मंगलवार को आकर के ही हम पांडुपोल हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। आइए मेरे साथ और आपको दर्शन करवाते हैं हनुमान जी महाराज के। सरिस्का के घने जंगलों में स्थित यह मंदिर, जिसके दर्शन अभी आपने किए हैं, पांडुपोल हनुमान जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है।
यह जो स्थान है प्राचीन समय में एक बहुत ही सघन जंगल हुआ करता था। तो ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के समय में जब पांडव का अज्ञातवास शुरू होता है तो अपने उस निर्वासन काल के दौरान वो लोग इस जंगल में घूमते हुए इस क्षेत्र में आ जाते हैं। ऐसा बताते हैं कि यह जो जंगल है इसमें एक ऐसा विशाल पहाड़ था, दो पहाड़ आपस में इस प्रकार से सटे हुए थे कि उन लोगों को जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता है। माता कुंती की आज्ञा से वीर जो भीमसेन जी थे उन्होंने उस पहाड़ को तोड़ दिया और रास्ता निकाल दिया। उस पहाड़ को तोड़ने के बाद भीम जो था उसको अपने अंदर एक अहंकार उत्पन्न हो गया, यानी कि ऐसा कहें भीम के अंदर अपने आप को लेकर के घमंड हो गया कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ, बड़ा शक्तिशाली हूँ। तो इस घटना को या कहें कि भीम के घमंड को कम करने के लिए बजरंग बली जो थे उन्होंने एक ऐसा योजना बनाई कि उनके घमंड को किस प्रकार से कम किया जाए। दोस्तों ऐसा बताते हैं कि जिस स्थान पर आज पांडुपुल हनुमान जी का मंदिर है जो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, यह महाबली भगवान हनुमान जी का मंदिर है जिसे पांडुपुल हनुमान जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। निर्वासन काल के दौरान जब महाबली भीम पांडुपुत्र भीम को अत्यधिक अपने ऊपर अपनी शक्ति के ऊपर घमंड हो जाता है तब भगवान हनुमान जी इसी स्थान पर वृद्ध अवस्था में लेट जाते हैं। जब पांडव इस रास्ते से गुजरते रहते हैं तो हनुमान जी इस प्रकार से उस रास्ते में लेटे हुए होते हैं कि उनकी जो पूंछ होती है जो रास्ता होता है उसको अवरुद्ध करते हुए रहती है। तब पांडुपुत्र भीम आग्रह करता है कि हे वानर आप अपनी पूंछ को हटा लीजिए जिससे कि हम इस रास्ते से निकल जाएं। परंतु वानर कहता है मैं वृद्ध वानर हूँ और मेरे से अपनी पूंछ हटाई नहीं जा सकती क्योंकि मेरी अवस्था इस प्रकार की है कि मैं अपने शरीर को हिला और डुला नहीं सकता, तो आप इस पूंछ के ऊपर से होकर के गुजर जाइए। कि हनुमान जी अपने विशाल रूप में तो थे परंतु वो वानर रूप में थे और महाबली पांडुपुत्र भीम नहीं समझ पाया कि ये कौन है। तब महाबली भीम ने पुनः आग्रह किया कि हे वानर राज आप अपनी पूंछ हटा लीजिए, मैं आपकी पूंछ के ऊपर से नहीं गुजर सकता, हमें रास्ता दे दीजिए। तब वानर ने कहा कि नहीं, आपको मेरी पूंछ या तो हटानी होगी या पूंछ के ऊपर से ही आपको गुजरना होगा। तब महाबली भीम उस वानर के नज़दीक जाते हैं और पूंछ को हटाने का प्रयास करते हैं, परंतु महाबली भीम उस पूंछ को हटाना तो दूर उसको हिला डुला भी नहीं पाते। बड़ा प्रयास करने के बाद जब महाबली भीम पूंछ को नहीं हिला पाते तब वो सोचते हैं कि ये कोई साधारण वानर तो नहीं हो सकता और वो माफ़ी मांगने लगते हैं और अनुग्रह विग्रह करने लगते हैं कि हे प्रभु आप कौन हैं, मुझे दर्शन दीजिए और मुझे बताइए कि मेरे से क्या गलती हो गई, आप मुझे इस प्रकार का दंड है वो दे रहे हैं। तब हनुमान जी अपने स्वयं के रूप में आते हैं और कहते हैं कि महाबली भीम आप में ताकत अवश्य है, आप बलशाली भी हैं, परंतु अपने बल पर घमंड करना मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता होती है, तो कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। तब महाबली जो भीम होता है वो माफ़ी मांगता है और हनुमान जी उसको महाबली होने का आशीर्वाद देते हैं और वहां से चले जाते हैं। दोस्तों ऐसा कहते हैं कि उसी समय से इस स्थान पर भगवान हनुमान जी की प्रतिमा का पूजन शुरू हो जाता है और उसी अवस्था में लेटे हुए अवस्था में यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। इस स्थान पर अनेक जगहों के लोग या कहें कि भगवान में भावना रखने वाले लोग आते हैं। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित इस मंदिर में राजस्थान के अलावा अनेक राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि के लोग तो आते ही हैं। दोस्तों विदेशी सैलानियां भी जो सरिस्का अभ्यारण देखने के लिए आती है इस मंदिर के दर्शन अवश्य करके जाती है और ऐसा कहा भी जाता है कि इस मंदिर में मांगी गई मनोकामना पूर्ण भी होती है। दोस्तों मंदिर के दर्शन के बाद मैं आपको लेकर के चलता हूँ जिसकी वजह से यह स्थान पांडुपुल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब हम चलने वाले हैं उस स्थान की तरफ जहाँ पांडुपुत्र भीम ने गदा मार करके पहाड़ को तोड़ा था और रास्ता बनाया था जो कि भीम का पोल के नाम से जाना जाता है। और उसी रास्ते को तोड़ने के लिए जो जिस स्थान पर गदा मारी थी, क्योंकि गदा भीम ने मारी थी जो कि पांडुपुत्र था और उसी के नाम से इस स्थान को पांडुपोल के नाम से जाना जाता है। तो आइए मैं लेकर के चलता हूँ उस स्थान की ओर जहाँ भीम ने गदा मार करके और रास्ता बनाया था।
दोस्तों अब हम चल रहे हैं वह है पोल देखने के लिए जो जहां पर भीम ने गदा मार करके पहाड़ तोड़ा था और पोल बना दिया था, जिसकी वजह से इस स्थान को पांडु पोल के नाम से जाना जाता है। ये जो रास्ता जा रहा है उसी पोल की ओर जा रहा है। लगभग आधा एक किलोमीटर आगे जाकर के वह स्थान है जहाँ पर पोल बना हुआ है। चलते रहिए दोस्तों और आपको दिखाते हैं वह स्थान। देखने के लिए हम जा रहे हैं, रास्ते में घना जंगल है। तो जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि यह जो क्षेत्र है सरिस्का अभयारण्य का कोर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि बफर जोन के अंतर्गत आता है। कुछ समय पहले इस क्षेत्र में भी बाघ के साथ साथ यहां पर भालुओं को भी बसा दिया गया है, जिससे कि यहां भालू भी विचरण करते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह जो क्षेत्र है पांडु पोल के आसपास का जो क्षेत्र है यह भालू विचरण क्षेत्र भी कहलाता है। तो यहाँ आते समय भी हमें सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि यहाँ यदा कदा भालू भी हमें देखने को मिल सकते हैं और कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि हमारा सामना जब भालू या अन्य जंगली जानवर से हो जाए तो एक संकट स्थिति हमारे सामने पैदा हो सकती है। इसलिए हमें यहाँ सतर्क रह करके ही चलना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पोल की तरफ आपको लेकर के चलता हूँ। बने रहिए वीडियो पे मेरे साथ। पहुंच चुके हैं मंजिल के बहुत नजदीक, जिस मंजिल का आपको बेसब्री से है इंतजार। यह जो स्थान है पांडु पुत्र भीम द्वारा बनाया गया पोल वाला स्थान है, जहां पर पांडु पुत्र भीम ने गदा मार करके रास्ता निकाला था। उन्हीं के उस रास्ते की वजह से इस स्थान को पोल कहा जाता है और पांडु पुत्र के द्वारा किया गया यह कार्य पांडु पोल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आपको मैं इन सीढ़ियों को जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है के रास्ते से मैं लेकर के चलने वाला हूं और पांडु के द्वारा बनाया गया वह जो भीम के द्वारा बनाया गया गदा मार के और रास्ता था वह जो पोल कहलाता है उसको मैं आपको दिखाने वाला हूं। आइए दोस्तों चलिए मेरे साथ और मैं दिखाता हूं आपको पांडु पुत्र भीम के द्वारा बनाया गया पोल। चुके हैं उस स्थान पर जहां पर पांडव पुत्र भीम ने गदा मार करके रास्ता निकाला था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक विशाल जो पर्वत है पहाड़ी है आपको दिखाई दे रही है। इसी पहाड़ पर महाबली भीम ने अपनी गदा से प्रहार करके एक रास्ता निकाला था, जिसे भीम पोल या पांडव पोल के नाम से जाना जाता है। अज्ञातवास के समय में माता कुंती के साथ पांचों पुत्र इस जो जंगल है इसमें घूम रहे होते हैं। विशाल पहाड़ी होने के कारण उन्हें इस स्थान पर मार्ग अवरुद्ध होता हुआ मिलता है। तब माता कुंती की आज्ञा पाकर के महाबली भीम ने अपनी गदा से इस पहाड़ पर एक जोरदार प्रहार किया, जिससे यह पहाड़ टूट गया और इस पहाड़ के बीच में से एक रास्ता निकल गया जो वर्तमान में हमें देखने को मिल रहा है, जिसे पांडु पोल के नाम से भी जाना जाता है। इसी रास्ते से होकर के वो यहाँ से गए थे और आगे जैसा मैंने बताया कि महाबली भगवान हनुमान जी का मंदिर, जिसके दर्शन आपको करवाए थे, वहाँ पर हनुमान जी ने भीम का जो घमंड था वो चूर किया था। कहानी मैंने आपको बताई थी उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जब भीम ने गदा मारी थी तो इसी रास्ते से पानी का एक झरना भी निकल गया था, जो कि इस रास्ते से बहता हुआ पूरे इस वन में निकलता है। यह स्थान 5000 वर्ष पुराना स्थान है, जहाँ पांडवों ने अपना समय व्यतीत किया था और महाभारत काल से जुड़ा हुआ यह समय है। दोस्तों पोल के और नजदीक आपको लेकर के चलता हूँ और देखते हैं कि इस पोल में और क्या एक अद्भुत चीज हो सकती है। दोस्तों जब मैंने इस पोल को इसकी ऊंचाई पर गहराई से देखा तो मुझे एक ऐसी अद्भुत चीज के बारे में जानकारी मिली कि दोस्तों आपको ये जो पहाड़ इसके ऊपर जो दिखाई दे रहा है, देखिए इस ये जो पहाड़ है इससे भिन्न अवस्था में है, क्योंकि ये पहाड़
पत्थरों से बना हुआ है, परंतु जब इसके ऊपर के हिस्से को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि तपी हुई मिट्टी इस प्रकार की किसी वस्तु से ये बना हुआ है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे ही यह जो सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र है, यह जो अरावली की पहाड़ियां हैं, इस सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में ऐसे दो स्थान और भी हैं जहां इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। दोस्तों बताना चाहूँगा कि इसी सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में स्थित नलदेश्वर नाम से एक धाम है, जहां पर भी इस प्रकार की मिट्टी का बना हुआ एक पवित्र स्थान है। दूसरा स्थान इसी सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में स्थित पाराशर धाम के नाम से जाना जाता है, जो भी इसी सरिस्का क्षेत्र में स्थित है, और उस स्थान पर भी पाराशर धाम पर इस प्रकार का मिट्टी का बना हुआ पर्वत है। आप हमारे इन दोनों वीडियो को देखने के लिए हमारे आई बटन पर क्लिक करके नलदेश्वर का वीडियो देख सकते हैं। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। सरिस्का से संबंधित अनेक वीडियो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। आज हमने सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र और साथ में ही महाभारतकालीन प्राचीन मंदिर पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर दिखाया है। ऐसे अनेक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, साथ में ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। और अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक्स एंड सब्सक्राइब करिए। और सरिस्का अभयारण्य से संबंधित
और भी वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां जाकर के भी आप वीडियो देख सकते हैं।